आज भोजपुर पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। ये मामला चांदी थाना अंतर्गत आया था। कल एक आसूचना प्राप्त होती है थानाध्यक्ष चांदी राकेश को कि एक सलेमपुर गांव में दो भाई हैं मिथिलेश सिंह और राजेश सिंह, ये अपने घर पे हथियार छिपा कर रखे हुए संभवतः किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसी आरोप में जो है तत्काल थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो है उसके घर पर वहाँ पर छापामारी की जाती है। जैसे टीम वहाँ पर पहुँचती है छापामारी के लिए ये घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसको घेर के पकड़ा और उसके बाद जो विधिवत तलाशी ली जाती है। तलाशी के क्रम में उसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। घर के में से छिपा कर रखा था और साथ में जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसमें पहला राजेश सिंह पिता रामबचन सिंह सलेमपुर चांदी का और दूसरा उनका भाई मिथिलेश सिंह, ये सलेमपुर चांदी के रहने वाले हैं। इस तरीके से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। समय से चांदी थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, हो सकता है उसके बाद कोई घटना को अंजाम देते, लेकिन समय से पूरी जो है कार्रवाई करके किसी संभावित घटना को रोक दिया गया और इनकी कार्रवाई करते हुए आम सड़क के तहत जो है इनको जो है माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा रहा है और इसका कांड संख्या 104/24 दर्ज कर लिया गया है। आज भोजपुर पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। ये मामला चांदी थाना अंतर्गत आया था। कल एक आसूचना प्राप्त होती है थानाध्यक्ष चांदी राकेश को कि एक सलेमपुर गांव में दो भाई हैं मिथिलेश सिंह और राजेश सिंह, ये अपने घर पे हथियार छिपा कर रखे हुए संभवतः किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसी आरोप में जो है तत्काल थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो है उसके घर पर वहाँ पर छापामारी की जाती है। जैसे टीम वहाँ पर पहुँचती है छापामारी के लिए ये घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसको घेर के पकड़ा और उसके बाद जो विधिवत तलाशी ली जाती है। तलाशी के क्रम में उसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। घर के में से छिपा कर रखा था और साथ में जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसमें पहला राजेश सिंह पिता रामबचन सिंह सलेमपुर चांदी का और दूसरा उनका भाई मिथिलेश सिंह, ये सलेमपुर चांदी के रहने वाले हैं। इस तरीके से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। समय से चांदी थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, हो सकता है उसके बाद कोई घटना को अंजाम देते, लेकिन समय से पूरी जो है कार्रवाई करके किसी संभावित घटना को रोक दिया गया और इनकी कार्रवाई करते हुए आम सड़क के तहत जो है इनको जो है माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा रहा है और इसका कांड संख्या 104/24 दर्ज कर लिया गया है।